आगे हम देखते हैं यामोशी ब्रोली के सामने आ जाता है। यामोशी ब्रोली को अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में किक मारता है। ब्रोली यामोशी के किक के वजह से दूर गिर जाता है और उसके नाक से खून आने लगता है, लेकिन वो इम्प्रेस हो जाता है यामोशी के अटैक से। ब्रोली अपने ही ब्लड को चाटते हुए यामोशी के तरफ आगे बढ़ता है। यामोशी बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है ब्रोली, अभी तो और भी बहुत कुछ है, इसलिए तुम वापस से प्रिजन में लौट जाओ और अपना फेथ को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ब्रोली यामोशी की बात नहीं मानता है और यामोशी के तरफ ब्रोली लो फ्लाइट में अटैक करने आगे बढ़ता है। यामोशी उसका काउंटर अटैक करता है जिससे ब्रोली गिर जाता है और फिर उसी टाइम यामोशी ब्रोली के ऊपर एक एनर्जी वेव लॉन्च कर देता है जो ब्रोली से टकरा कर ब्लास्ट हो जाती है। जब स्मोक हटता है तब यामोशी देखता है कि ब्रोली को चोट लगी है, लेकिन उसको उतना भी डैमेज नहीं हुआ जितना यामोशी ने एक्सपेक्ट किया था। ब्रोली हंसते हुए अपने फेस से खून को साफ करता है अपनी हाथों के हेल्प से और खुश हो जाता है अपने ओपोनेंट यामोशी को देखकर। ब्रोली अपने ग्रीन ऑरा में पूरी तरह से एनगल्फ हो जाता है और उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। यामोशी अपने अगले अटैक के लिए तैयार हो जाता है। यामोशी को पता था कि ये फाइट इजी नहीं होने वाली है। किंग वेजिटा और कैकरोट अभी भी रिकवर नहीं हो पाए थे, वो स्ट्रैंगुलेशन पे थे और वो दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं ब्रोली की पावर से, क्योंकि वो दोनों उसका सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी कोई मैच नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ब्रोली की पावर अनमैचेबल थी। पीछे से गॉड वेजिटा और गोकू किंग वेजिटा से अप्रोच करते हैं ब्रोली की बैक स्टोरी जानने के लिए। फिर किंग वेजिटा बताता है कि बहुत साल पहले की बात है, पहले एक अननोन सैयन का बेबी आया था प्लैनेट पर और उसकी टैलेंट पावर बहुत ज़्यादा थी कि कोई भी उसको कन्फ्रंट नहीं कर पा रहा था। इवन उसकी पावर किंग वेजिटा 3 से भी ज़्यादा पावरफुल थी, जो कि बहुत ही अनयूजुअल बात थी। और ये बात किंग वेजिटा 3 को पसंद नहीं आई, इसलिए वो इस बेबी को किसी अननोन प्लैनेट पर मारने के लिए भेज देना चाहते थे। लेकिन एक गॉड एक दिन कैसल में अपीयर होता है और बेबी को अडॉप्ट करने की बात करता है। ये बातों के बीच वहाँ ब्रोली और यामोशी की फाइट कंटिन्यू होती है, जो कि अपने रिमार्क्स एक्सप्लोजन और शॉक वेव में फॉर्म में पूरा अटैक कर रहे थे। पूरा प्लेनेट दोनों के मैसिव एनर्जी एक्सप्लोजन से ट्रेम्बल कर रहे थे। फाइट करते करते ब्रोली यामोशी के साइड से गायब हो गया और थोड़े डिस्टेंस पर अपियर होता है। ग्रेट स्पीड में लो फाइट में यामोशी की तरफ ब्रोली आगे बढ़ता है। उसकी स्पीड इतनी थी कि सिर्फ एक ग्रीन वेव ही दिखाई दे रही थी। यामोशी तुरंत अपने रिफ्लेक्सेस से उसे डॉज करता है और ब्रोली एक बुल की तरह उस ग्राउंड में गिर जाता है। ब्रोली नीचे से आराम से उठता है और फिर अपने नेक्स्ट मूव को तैयार करने के लिए आगे बढ़ता है। वो इतना ज्यादा तैयार है आगे और लड़ने के लिए, यामोशी भी अपने ब्लू ऑरा को बढ़ा देता है तो दोनों की एनर्जी और इंटेंसिव रिलीज होती है और वहाँ नेक्स्ट अटैक करने के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। वापस से दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से जब भी क्लैश करते हैं तो एक सुपर सोनिक बूम होता है उनकी फाइट से और पूरा प्लैनेट हिल रहा होता है। दोनों के फाइट का एविडेंस उन एक्सप्लोजन से क्लियर होता है। ब्रोली अपने हाई स्पीड में यामोशी पर अटैक करता रहता है और यामोशी भी उसे नीडली डॉच करते रहता है। ब्रोली के पास सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं थी बट उसके पास एक वाइल्डनेस पागलपन भी था जो इस फाइट में चाहिए था। यामोशी उसके मूव्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था और डॉच करते करते उसको एक ओपनिंग दिखाई देता है, तभी वह ब्रोली को एक किक चेस्ट पर मार देता है जिससे ब्रोली बहुत दूर फेंका जाता है। ब्रोली विथ नो टाइम वापस खड़ा हो जाता है पागलों की तरह हंसते हंसते और वो कहता है यामोशी ये तो कुछ भी नहीं है, आगे देखते जाओ मैं तुम्हारा क्या करूंगा। तभी गोकू और वेजिटा को रियलाइज होता है कि अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो ब्रोली यामोशी को ओवरकम कर देगा, क्योंकि ब्रोली की पावर धीरे धीरे और भी इंटेंसिफाई होते जा रही थी। किंग वेजिटा और कैकरोट ब्रोली को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि दोनों को ब्रोली के एग्जिस्टेंस के बारे में पता था। किंग वेजिटा 3 और बैडॉक ने बताया था कि एक चाइल्ड है जिसके पास ग्रेट पावर है, लेकिन दोनों ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इतना पावरफुल होगा। ब्रोली वापस अपने मसल्स को इंटेंस करता है, उसका ग्रीन ऑरा और भी ज़्यादा तेज हो जाता है, मानो वो उसको एनवलप जैसे एनगल्फ किया हो। ब्रोली आदमखोर शेर की तरह दहाड़ते हुए ग्रेट स्पीड में यामोशी की तरफ आगे बढ़ता है। यामोशी वही दूसरी तरफ अपने पोजिशन में खड़ा होता है, ब्रोली के अप्रोच करने का वेट करता है। जैसे ही ब्रोली एक फिक्स डिस्टेंस पर आता है, यामोशी अपने हाथों को आगे करता है और फिर सेपरेट कर देता है। इस वेव से ग्रेट सैयन पैरालाइज हो जाता है।
गोकू ये देखकर बहुत इंप्रेस होता है क्योंकि उसने भी अनकॉन्शियसली ये टेक्निक यूज किया था ब्रोली के अगेंस्ट अर्थ पर अपने टाइमलाइन में। यामोशी सोचता है कि मुझे ये फाइट जल्दी खत्म कर देना चाहिए, इसलिए यामोशी ब्रोली के पीछे जाता है ये सोच के कि वो ब्रोली को पीछे से नेक पर ब्लो देगा तो ब्रोली अनकॉन्शियस होके बेहोश हो जाएगा और फिर वो आसानी से ब्रोली को प्रिजन और कैद कर देगा। लेकिन यामोशी के लिए ब्रोली एक सरप्राइज भरा था। जब यामोशी हाथ उठाता है पीछे जाके, ब्रोली उसका हाथ अचानक से पकड़ लेता है। यामोशी पूछता है कि तुमने ये कैसे किया? तब ब्रोली बोलता है कि मैंने बस अपनी पावर इंक्रीज कर ली है। ब्रोली यामोशी के हैंड्स को पूरी तरह से क्रश कर देता है और फिर हाथों को यामोशी के एब्डोमेन में घुसा देता है, जिससे यामोशी अपने नीज पर आ जाता है और बेस फॉर्म में हो जाता है। ब्रोली बोलता है कि ये तो पैथेटिक है, एक गॉड इतना वीक। और ये बोल के ब्रोली यामोशी को एंड करने ही वाला होता है कि ब्रोली को एक फ्लाइंग किक आकर पड़ती है उसके फेस पर और वो दूर जाकर फेंका जाता है। ये किक और कोई नहीं बल्कि गॉड वेजिटा ने मारा था। वेजिटा डिक्लेयर करता है कि अब ये फाइट मैं कंटिन्यू करूंगा। गोकू बोलता है कि ये अनफेयर है वेजिटा। वेजिटा बताता है कि तुमने यामोशी से फाइट किया है सो अब नेचुरली मेरी बारी है गोकू। जिस पर गोकू स्पीचलेस रह जाता है। वेजिटा ब्रोली के पास जाता है। तब तक गोकू, कैकरोट और किंग वेजिटा यामोशी के पास जाते हैं यामोशी के कंडीशन चेक करने के लिए। यामोशी तब तक गॉड मोड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और खुद को हील कर रहा होता है। यामोशी ने बताया कि ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है क्योंकि मैं खुद को गॉड बोलता हूँ लेकिन एक ही दिन में दो फाइट हार गया। गोकू कंफर्ट और कॉन्फिडेंस करने के लिए यामोशी को बोलता है कि ब्रोली हमारे टाइमलाइन में भी हमें बहुत परेशान किया था यामोशी, इसलिए तुम अपनी कॉन्फिडेंस को मत हारो। ब्रोली बोलता है कि गॉड वेजिटा का किक, ये दोनों वीकलिंग किसी के भी किक किसी के भी अटैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वेजिटा प्राउडली बोलता है कि मैं एक डिफरेंट लेवल पर हूँ ब्रोली, मुझसे लड़ना है तो अपने लेवल अप करो। ब्रोली इंप्रेस होकर बोलता है कि देखते हैं। फिर ब्रोली अपने हाथों को फिस्ट में लाता है और गॉड वेजिटा की तरफ बढ़ता है लेकिन गॉड वेजिटा उसको इजिली डॉच कर देता है और फिर ब्रोली को एक पंच लैंड करता है जिससे ब्रोली दूर फेंका जाता है। ब्रोली को रिएक्ट करने से पहले ही वेजिटा अपनी पर्पल एनर्जी उस पर लॉन्च कर देता है जो सीधा ब्रोली को हिट करती है। ब्रोली उस अटैक उठता ही है और भी ज्यादा डिटरमाइन हो जाता है। ब्रोली इसके बाद एक पंच और किक वेजिटा पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वेजिटा सबको इजिली अपने स्विफ्ट मूवमेंट्स एंड एक्यूरेसी के साथ डॉच कर पा रहा था। साथ ही साथ वेजिटा काउंटर अटैक भी प्रिपेयर कर रहा था। फिर वेजिटा ने ब्रोली को चेस्ट पर पंच मारा जिससे ब्रोली वापस रिकॉइल कर गया। वहीं दूसरी तरफ गोकू पूछता है कि ब्रोली इस कैसल में क्यों था और वो ऐसे साइकोपैथ कैसे बन गया। यामोशी कहता है कि जो कहानी किंग वेजिटा सुना रहे थे उसको कंटिन्यू करते हुए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यह सच है कि किंग वेजिटा 3 इसको डिस्टेंट लैंड पर भेजना चाहते थे लेकिन मैंने इसकी एनर्जी कैसल से ही सेंस कर ली थी और किंग को यह सुझाव दिया कि यह चाइल्ड मुझे चाहिए, मैं इसे ट्रेन करूंगा। इतनी ग्रेट एनर्जी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मे बी एक दिन ये मुझे भी सरपास कर दे और बीदर से फाइट करने में हेल्प करे। इसलिए मैं ब्रोली और उसके फादर को अपने कैसल में ले गया था। कुछ सालों तक जब सब सही चल रहा था तो ब्रोली बहुत ही ओबीडियंट चाइल्ड था, वो सारी बात मानता था लेकिन एडोलसेंस में आते ही वो पागल सा हो गया और अपना सैडिस्टिक साइड दिखाने लगा। उसने अपने ही फादर पैरागस को ब्रूटली मार दिया। उस टाइम मैंने इसकी पावर को कंट्रोल किया और कैप्सूल में बंद करके रख दिया था। यह दूसरी तरफ ब्रोली की एनर्जी बीम वेजिटा पर फायर करता है लेकिन वेजिटा उसको अपने एक हाथ से ही रोक देता है जैसे ये उसके लिए एक बच्चों का खेल हो। फिर वेजिटा खुद को ब्रोली की तरफ हेड ऑन लॉन्च करता है। ब्रोली बहुत सारे एनर्जीज बॉल वेजिटा की तरफ फेंक रहा था लेकिन वेजिटा सारे बॉल्स को इजिली डॉच करते हुए ब्रोली की तरफ पहुंचता है और उसको एक नी पर अटैक दे देता है जिससे वो वापस दूर गिर जाता है। अब ब्रोली बहुत गुस्से में था, अपनी सारी पावर एक स्फेयर में ट्रांसफॉर्म करता है और वो मैसिव एनर्जी स्फेयर वेजिटा की तरफ फेंक देता है। वेजिटा सिंपली उस स्फेयर को एक हाथ से रोकता है और ब्रोली की तरफ डायरेक्ट कर देता है जो ब्रोली को सीधा जाकर लग जाती है। स्मोक हटने के बाद अब ब्रोली की ग्रीन ऑरा ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही थी। वेजिटा बोलता है कि अब तुम वीक दिख रहे हो ब्रोली, क्या हुई तुम्हारी पागलपन वाली पावर, अब ये फाइट एंड करने का टाइम आ गया है। उसी टाइम ब्रोली थोड़ा हेजिटेट करता है लेकिन फिर वो इमेंस एनर्जी रिलीज करता है और उसकी पावर एक हाइट पर अंतरिक्ष तक जाती है और वो वेजिटा को पीछे हटा देता है।
किंग वेजिटा और कैकरोट बहुत हैरान हो जाते हैं कि अभी दो मिनट पहले तक ये बहुत बुरी तरह ब्रीथ कर रहा था, पॉसिबल ही नहीं था कि वापस ब्रोली उठ पाए। लेकिन ये कैसे हो सकता, ब्रोली अचानक इतनी पावरफुल कैसे बन के खड़ा हो गया। यामोशी इससे सरप्राइज नहीं होता है, वो बोलता है कि ब्रोली की पावर इन्फिनाइट है, जब तक ये किसी को किल ना करते तब तक ये इवॉल्व होते रहेगा, उसके अंदर एक पागलपन घुसा हुआ है, वो कंट्रोल ही नहीं होगा जब तक वो अपने लक्ष्य को पा ना ले। ब्रोली पूछता है कि क्या मैं अब खूंखार लग रहा हूँ वेजिटा। वेजिटा बोलता है कि यह डिसअपॉइंटिंग है, अगर तुम इतनी जल्दी हार मान लेते अच्छा है कि तुमने अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मेरे वर्दी ओपोनेंट हो वो ब्रोली, चलो मुकाबला करते हैं। ब्रोली बोलता है कि गॉड वेजिटा तुम अब पछताओगे, और ब्रोली फिर ग्रेट स्पीड में वेजिटा की तरफ बढ़ता है। वेजिटा आराम से उसके इंतजार कर रहा होता है। ब्रोली के अटैक्स को साइडवेज डॉच करके बाद वो स्पिन करता है, ब्रोली को किक देता है, जिससे ब्रोली तुरंत रिकवर करते हुए वेजिटा पर एक पंच लॉन्च करने की कोशिश करता है, बट वो फेल हो जाता है, जिसके काउंटर पार्ट में वेजिटा ब्रोली के चेहरे पर अपर किक मारता है। ब्रोली के स्विफ्ट एंड फास्ट मूवमेंट और उसके सुपर सीजन अटैक्स को भी वेजिटा इजिली डॉच कर देता है, जैसे वो किसी बच्चे के साथ ट्रेनिंग कर रहा हो। वेजिटा सब कुछ को मास्टर की तरह हैंडल कर रहा था, जैसे मानो वेजिटा के लिए सब बहुत आसान काम हो। ब्रोली को हैंडल करना गॉड वेजिटा के लिए बहुत ही आराम हो चुका था। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इंतजार करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।